हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक है ECS के ऊपर, जो G41T M6 वर्शन 3। तो इस बोर्ड में मैं दिखाता हूँ क्या इशू है, तो ध्यान से देखो, वीडियो को स्किप मत करो। बहुत ही एक अच्छा प्रॉब्लम जो है आप सीख जाओगे शॉर्ट आउट करना। देखो, स्किप मत करो, ठीक है? और जो एक्सपर्ट है वो भी देख सकते हो, काम आएगा आपका आपका भी। चलो, नो डिस्प्ले है बट प्रॉब्लम कुछ अलग सा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले देखो। और इसको फाइनली मैंने सॉल्व आउट किया है, पर बहुत कुछ करने के बाद ये हुआ है। तो प्रॉब्लम छोटा सा था बस, और कितना कॉम्प्लिकेटेड था प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, आप लोग देखते जाओ। चलो, एक डिबग कार्ड लगा दिया और रैम जो भी है, सीपीयू मेरा टेस्टेड है। इस बोर्ड में जो सीपीयू के साथ आया था वो ये सीपीयू है, ये वाला, यही था। तो अभी देखो, पावर ऑन करता हूँ, देखो एक बजर भी लगा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी होगा थोड़ा सा। तो बजर लगा दिया, अब दिख रहा है। अब देखो, पावर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, पावर ऑन कर दिया, बोर्ड ऑन हो चुका है, बट D0 D0, ठीक है? कोड इसका है D0 D0। तो पहले मैं बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ आवाज़ आ रहा है, पर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज मैं घर पे हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी काम पे बैठा हूँ, प्रेशर है काम का बहुत, इसलिए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है? देखो, D0 D0 मतलब रैम का एरर है, पर यहाँ पर रैम का कोई बीप नहीं दे रहा है, और ये बाजर भी सही है और यहाँ पर बीप भी देता है। चलो, D0 मतलब आप क्या समझेंगे, रैम ख़राब है। बीप शायद आपने बजर लगाया नहीं, तो आपको पहले ही समझ में आएगा कि रैम का इशू है। और बजर आपके पास है, बीप नहीं दे रहा है, तो क्या समझेंगे आप। चलो, इस रैम को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये एक एसर का ब्रांडेड रैम है, यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है? तो और एक मेरे पास है जो HP का ब्रांडेड रैम है, ये मेरा टेस्टिंग रैम है, ये रैम भी अच्छा है, मैं इसी पर डिस्प्ले ला के दिखाऊंगा बोर्ड को, ठीक है? तो और एक रैम में डाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। चलो देख लो, इस रैम पे भी D0 D0। चलो, CPU इसका हीट हो रहा है, CPU कोर BTT सब कुछ बन रहा है, CPU इसका हीट हो रहा है। तो अभी और एक चीज दिखाता हूँ, देख लो पहले, ये डिबग कार्ड मैंने हटा दिया। मैक्सिमम जो काम करते हैं सभी के पास ये वाला डिबग कार्ड है, लेकिन ये वाला डिबग कार्ड अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए बहुत सारा लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो खरीदना चाहते हैं पर परचेस नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये अगर किसी को चाहिए तो बोलना, मैं कॉन्टैक्ट करना हूँ उससे, मैं दिलवा दूंगा, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी एक मॉडल है TL611 Pro, वो भी मिलेगा। तो मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो अगर किसी को चाहिए तो, मैं बिजनेस नहीं करता हूँ इसका, ठीक है? अगर किसी को चाहिए, इंटरेस्टेड है, लेना है, तो फ़ोन कॉल करो या फिर टेक्स्ट करो, मैं कुरियर कर दूंगा, ठीक है? तो चलो, ये डिबग कार्ड जिसके पास है उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्या है देख लो एक बार। माना कि ये बहुत सारा लोगों के पास भी है, अभी अवेलेबल है, बहुत सारा लोगों ने परचेस किया है ये, जो काम करते इस लाइन में। तो अभी इस डिबग कार्ड पे जब चला रहा हूँ, रैम को मैंने चेंज कर दिया, पहले उस डिबग कार्ड में D0 आ रहा था, अब देखो, अब यहाँ पर भी D0 आ रहा है। बट एक चीज़ फॉलो करो, यहाँ पर जो एक LED है ये CPU को इंडिकेट कर रहा है। देखो, CPU का अच्छे से दिख रहा है आपको, CPU का एरर आ रहा है, दिखा रहा है कि CPU सपोर्ट नहीं कर रहा है इस डिबग कार्ड में। तो चलो, जिन लोगों के पास ये डिबग कार्ड है वो क्या समझेगा, CPU खराब है। तो ये तो मैंने पहले ही बोला है, ये मेरा टेस्टिंग CPU है, और ये पहले देख के रखो। यहाँ पर ये ड्यूअल कोर है, ये भी यहाँ पर रख देता हूँ, इसमें भी D0 आ रहा है, इस रैम पे भी D0 आ रहा है, पर इस डिबग कार्ड में CPU का एरर और उस डिबग कार्ड में ओनली D0 आ रहा है। तो ये जो CPU था, उन बोर्ड के साथ जो CPU था, ये वाला, ये मैं लगा रहा हूँ। देखो, थोड़ा सा स्टैंड हिल गया है, मेरा हाथ लगा है, पता है मुझे, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। अब इसका CPU मैं डाल रहा हूँ, तो देखो
अभी बोर्ड को ऑन कर दिया तो अभी भी D0, और यहाँ पर CPU का लाइट इंडिकेट हो रहा है, देख सकते हो क्लियरली आप। यहाँ पर जो CPU का LED है, जो ये डिबग कार्ड बता रहा है कि आपका CPU खराब है, और ये वाला डिबग कार्ड बता रहा है कि आपका RAM खराब है। तो RAM भी चेंज कर दिया, CPU भी चेंज कर दिया। चलो और एक बार मेरा जो टेस्टेड CPU है जिससे मैं काम करता हूँ नॉर्मली, ये रख देता हूँ। ये उनका है, ये मेरा वाला CPU है। ये देखो अभी मैं ये लगा रहा हूँ, इस CPU को, ये CPU को मैं इंसर्ट कर दिया, और इस RAM को भी खोल देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। ये वाला एसर का जो RAM है ये लगा रहा हूँ, देखो अभी। तो ये वाला CPU और ये वाला RAM लगा रहेगा, पर बोर्ड में कोडिंग और डिस्प्ले आएगा। पर कैसे आया है मैं बता रहा हूँ रीजन को, देखो फिर से एक बार देख लो इसमें आता है कि नहीं। चलो D0, इस डिबग कार्ड में D0 CPU का एरर, और इस डिबग कार्ड में D0 RAM का एरर, पर यहाँ पर कोई बीप नहीं दे रहा है बजर पे, ठीक है। तो और एक बार चला के दिखा दो D0, तो इसका रीसेट नॉर्मल है, रेडी का नहीं है, रेडी का LED जल नहीं रहा है, पर CPU हीट हो रहा है, इसका कोर BTD सब कुछ बन रहा है, मैंने देख लिया है पहले। तो वीडियो अगर नॉर्मल देखो, मैं सिंपली पॉइंट पे आता हूँ, ये बायस का इशू है, पर नॉर्मली अगर बायस का इशू होता तो वीडियो मैं नहीं डालता, क्योंकि सबको पता है बायस करने से हो जाता है। पर देखो इस बोर्ड में मैं अभी समझा देता हूँ थोड़ा सा, बोर्ड को ऐसे रहने देता हूँ, और रैम जो है वही है, CPU मैंने देख सकते हो आप वही वाला लगा के रखा है, तो इसी में डिस्प्ले आएगा बोर्ड का। देख लो इसका जो बायस था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका बायस किया, मेरे पास बैकअप बायस इसका था और भी बोर्ड का बोर्ड था कोई और दूसरा बोर्ड, तो मैंने इसका बायस रिप्रोग्राम किया, फिर भी सेम इशू है। तो ऑनलाइन से एक बायस मैंने डाउनलोड किया, उसमें FF कोड आ रहा है इस डिबग कार्ड पे, और उस डिबग कार्ड पे 00। पर 3-4 बायस ऐसे मैंने ट्राई कर लिया, क्योंकि ये IC रिमूवेबल है, शोल्डरिंग नहीं करना, हीट नहीं देना पड़ता, इसीलिए बायस तो मैंने बहुत बार कर चुका हूँ, 3-4 बार अलग अलग बायस फाइल डाल के, पर सॉल्व आउट नहीं हुआ। पर इसका जो बायस था पहले बोर्ड में जो बायस था, उसको मैंने बैकअप रखा था कॉपी करके, रीड बिन करके, तो तब जाके मैंने एक नया चिप लेके वो जो बायस फाइल था, उस बायस फाइल को बायस क्लीनर जो होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है बायस क्लीनर, ये देखो ये एक नया चिप लिया, किसी दूसरे बोर्ड से लिया और उसी बोर्ड में लगाया, और पहले जो बायस इसका था, मतलब बोर्ड में इनबिल जो बायस था, जिस तरह से बोर्ड आया था वही बायस को दोबारा रीड करके इसमें डाल दिया, तो वही बायस में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, और ऑनलाइन से भी बायस डालने से भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, और रीड किया हुआ बिन किसी से मंगवाया वो भी काम नहीं कर रहा है। पर फिर जाके मैंने यहाँ पर बायस जो क्लीनर होता है, बायस क्लीनर से इसका जो बैकअप बायस मैंने ले लिया था पहले ही, बायस को इरेज करने से पहले, उस बायस को मैंने एक बार क्लीन किया, फिर इसमें डाला, EIC भी सही है, EIC भी सही है, और फिर देखो डिस्प्ले आ गया बोर्ड का। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसा कंडीशन में ECS का बोर्ड आ जाए, 41 सीरीज का M6 वर्शन 3, तो सेम अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बायस करने पर भी नहीं होगा ये सॉल्व, तो फिर आप मुझे टेलीग्राम करो, मैं बायोस आपको भेज दूंगा बिन फाइल का जो क्लीन किया हुआ बायोस है, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, बायोस क्लीनर एक सॉफ्टवेयर होता है वो डाउनलोड करके, वो कैसे करता है आपको पहले जानना होगा, जो जानता है उसे तो पता ही है, तो उसका ही बायोस आप पहले बैकअप ले लो, फिर क्लीनर में डाल के क्लीन करके फिर दोबारा इंसर्ट करके इसको रिबूट कर दो, रीलोड कर दो, मतलब रीप्रोग्राम करो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अभी देखो इस बायस को मैं रिमूव कर रहा हूँ, पर देखो सिंपली अगर ये रीड किया हुआ बायस मैंने डाल दे के हो जाता, या फिर ऑनलाइन से डाउनलोड करने के बाद बायस डाल के हो जाता, तो ये वीडियो मैं नहीं बनाता, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आप भी कन्फ्यूजन होके बोर्ड रिटर्न कर दोगे, इसीलिए मैं बोर्ड रिटर्न ना हो, इसलिए आपके हाथ से भी बोर्ड ना रिटर्न हो अगर ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप देखो ये डिबग कार्ड डालता हूँ,
वही रैम है, वही सीपीयू है, मैंने चेंज नहीं किया, सामने ही है, कोई एडिट नहीं है, वीडियो रॉ फुटेज है जितना भी है। अभी देखो पावर दिया, देखो अब इसका डिस्प्ले आ जाएगा, बीप दिया, डिस्प्ले आ चुका है। तो देखो ये छोटा सा प्रॉब्लम था, बट मुझे, मैंने बहुत बार आपके पास अगर होता तो, आपने 3-4 बार ऑलरेडी कर चुके हो फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप इधर उधर हिट मत दिया करो यार, 00 कोड हो या फिर FF कोड हो। तो फिर से मैंने भी हिट नहीं दिया इस बोर्ड पे, अगर मैं भी हिट कर देता तो शायद कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाता क्रिएट। तो मैंने इसका बायोस को क्लीन किया है, और बायोस कैसे क्लीन किया जाता है, क्योंकि इंटेल का मदरबोर्ड का बायोस हमें वेबसाइट में अवेलेबल नहीं मिलता है, वो पैसा देके परचेस करना पड़ता है। तो अगर आप बायोस कैसे क्लीन करते हैं ये अगर सीख जाओ, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर अगर रिक्वेस्ट रहा तो एक वीडियो मैं बना दूंगा कैसे बायोस को क्लीन किया जाता है, और उसी का ही बायोस क्लीन करके उस बोर्ड में डालने से ही बोर्ड रेडी हो जाता है। ये इसी बोर्ड में ये ट्रिक मैंने अप्लाई करके इस बोर्ड को रेडी किया है। तो अभी डिस्प्ले भी एक बार देख लो, और सीपीयू भी वही है, मैंने बोला कुछ भी नहीं चेंज करूंगा। और डिस्प्ले इसका देखता हूं, मैं स्विच देता हूं, डिस्प्ले इसका आ चुका है, देख लो डिस्प्ले इसका आ चुका है। एक बार रिस्टार्ट कर देता हूं, कहां गया इसका, सॉरी, चलो एक बार रिस्टार्ट कर दिया, ये देखो कोड चेंज हो गया, यहाँ पर 00 आ गया, पर यहाँ पर भी डिस्प्ले आ जाएगा, देखते रहो, चलो डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो देखो बायोस क्लीन से, बायोस क्लीनर से कैसे बायोस को क्लीन करते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा, इसके ऊपर भी अगर रिक्वेस्ट रहा, मैंने बोला पहले ही, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मैं भी बहुत प्रॉब्लम में था इस बोर्ड को लेके, कोई भी बायोस फाइल डालने से हो नहीं रहा था, जेन्युइन बायोस ही था वो सब, पर ये जो चिप है ये चिप भी अच्छा है, इसमें भी अगर ये वाला बायोस, अभी मैं इसका रिडबिन करके अगर बैकअप ले लूँ तो, और इसमें डालूँ तो ये भी चलेगा, क्योंकि इसको मैंने क्लीन कर दिया है ऑलरेडी। तो देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बस लव यू ऑल, जय हिंद। डिस्प्ले का आ चुका है पर अभी बीप नहीं दिया, क्यों बीप नहीं दिया यार, और एक बार रिस्टार्ट करूँगा। बीप नहीं दिया पर इसका डिस्प्ले आ चुका है, देख सकते हो डिस्प्ले आ चुका है। तो चलो लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो पे, जय हिंद।